हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/4। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि किस तरह से हम लोग दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन कितने भी रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या प्रॉपर स्टेप्स हैं, क्या मेथड है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है 9th मैथमेटिक्स एज वेल एज 8th मैथमेटिक्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 और 2 दो रैशनल नंबर हैं, तो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रैशनल नंबर बता सकते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाइज बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। तो इनफाइनाइट नंबर में से मान लीजिए आपसे बोला गया कि कोई भी 5 रैशनल नंबर ही बता दीजिए, तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है, 1 और 2 के बीच में पता लगाना है। तो 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से 1.4, 1.5 आप इजीली बता सकते हैं, जो कि डेसिमल में है। अब चाहें तो इसको p/q में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.1 है तो upon 10 कर दीजिए, 1.2 है तो upon 10 कर दीजिए, 1.3 है तो upon 10 करके आप इजीली बता सकते हैं। अगर आपको 5 से ज्यादा चाहिए, 10 से भी ज्यादा चाहिए, तो आप इसकी रेंज को भी बढ़ा के कर सकते हैं। यहां पे अब हम समझेंगे कि इसको p/q फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए और क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं जिससे आपके एक भी नंबर इसमें कट ना हो और आप सही तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 और 4 दो हमारे पास रैशनल नंबर हैं और इनके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। तो एक जो इसमें मेथड है वो क्या है कि आप इसके मिड पॉइंट लेते जाइए और उस तरह से कीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो उसकी जगह हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग ये मानते हैं कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन ही वो लिया है जिसमें डिनोमिनेटर 1 हो, मतलब कि ये इंटीजर्स हो। तो देखिये 3 और 4 के बीच में हमें अभी साफ साफ नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं डेसिमल के अलावा, अगर हम लोग p/q की बात करें तो। तो हम क्या करते हैं, इसकी रेंज इंक्रीज करते हैं। तो इसकी रेंज बढ़ाने के लिए कई बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पे अगर ये 3 नंबर्स पूछे गए हैं तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कीजिए। लेकिन हम लोग आपसे कहेंगे कि आप राउंड फिगर में कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। आप चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 × 3 = 15/5, ये बेसिकली उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना, एंड दिस इज 20/5। अब देखिए 15/5, 20/5 जो हम लोगों ने बनाए हैं वो 3 और 4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से ये 4 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तो इनके बीच में अब हमें ये नंबर काफी आसानी से दिखाई देंगे, जो हम देख सकते हैं कि जैसे 16/5 है, 17/5 है, 18/5 है, 19/5 है, इस तरह से हम 4 नंबर इजीली इसमें देख पा रहे हैं। तो जब हम इसका नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब बिटवीन हम लोग यहाँ पे 15/5 एंड 20/5 नहीं लिखेंगे, बल्कि 3 और 4 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 3 और 4 ही पूछा गया है। आप इन चारों में से कोई भी 3 लिख दीजिए, 16/5, 17/5, 18/5 एंड 18/5, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 बने। अब हम अभी तक हम लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर 1 लिया था, अब हम ऐसे रैशनल नंबर लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 1 ना होके कुछ दूसरा इंटीजर हो लेकिन वो इक्वल हो, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो। तो सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया 3 और 4, उसके लिए हम लोग upon 5 कर देंगे और हम चाहते हैं कि इसके बीच में 4 रैशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जाए। तो इसके लिए देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है लेकिन अभी भी हमें 3/5 और 4/5 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो इजीली विजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेंज बढ़ाएंगे। तो सबसे आसान तरीका है, अगर आपके पास 10 से कम नंबर पूछे गए हैं तो आप 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। तो हम इसमें चाहे तो आप 10 से, 20 से, 50 से, किसी से भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन दोनों नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आना चाहिए। अब देखिए 30/50 एंड 40/50 में 31/50, 32/50 से लेके 39/50 तक के बीच में जितने भी नंबर हैं वो बिटवीन 3/5 एंड 4/5 है, लेकिन हमें यहाँ पे 4 रैशनल नंबर ही रिप्रेजेंट करने हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा वो हम लिखेंगे 4 रैशनल नंबर्स
बिटवीन, अब देखिए बिटवीन यहाँ पे 30/50 नहीं लिखा जाएगा, 3/5, बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब जो 30/50 और 40/50 के बीच में जो भी नंबर लिखे हुए हैं उसमें से आप कोई भी चार नंबर लिख दीजिए, 31/50, 32/50, 33/50 एंड 34/50, इस तरह से चार नंबर बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऐसा नंबर लिया जिसमें डिनोमिनेटर वन था, मतलब कि जो इंटीजर्स थे, फिर हमने वो लिया जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल था। अब हम वो क्वेश्चन लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/4। आपको -2/3 और 1/4 के बीच में जो है पांच रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। अब यहां पे लिखिए -2/3, यहां पे -1/4। तो यहां पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। और सेम किस तरह से होगा, दोनों के एलसीएम लेके और दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल लिखेंगे। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, तो इसका मतलब इन दोनों डिनोमिनेटर 3 को और 4 को हमें 12 के इक्वल लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 2/3, 1/4। अब यहां पे देखिए इसे 12 बनाने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे, और यहां पे आप 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया -8/12 और ये हो गया 3/12। अब देखिए इनके बीच में आपको काफी सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, -7/12, -6/12 से लेके 2/12 तक, अब इनमें से कोई से भी पांच रैशनल नंबर आप इसमें लिख दीजिए। तो हम लिखते हैं सो फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/4 आर -7/12, -6/12, -5/12, -4/12 एंड -3/12। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे और यही इसका प्रॉपर मेथड है। अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर किस तरह से होंगे। मान लीजिए हमारे पास जो भी क्वेश्चन था 3/5 और 4/5, हमने क्या किया था, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड किया था, जिससे कि ये हमारे पास 30/50 और 40/50 में कन्वर्ट हो गया था। मान लीजिए हम इनके बीच में ज्यादा नंबर चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 300/500 एंड 400/500 इसके बीच में हम देखेंगे 301 से लेके 399 तक के नंबर्स आ गए। अगर हम थोड़ी सी रेंज और बढ़ा दें, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये देखिए 1000 की रेंज में आ गए। अगर हम इसको 10,000 या 1,00,000 इस तरह से डिवाइड कर दें, तो ये इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम इजीली इसमें बता सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।